हेलो स्टूडेंट्स, आज भी केमिस्ट्री इंग्लिश टीचर जस्ट राइट नाउ आई वांट टू डिस्क्राइब द यूनिक फंक्शन ऑफ वर्ब फॉर 11th एंड 12th बोर्ड क्लासेस फॉर 11th क्लासेस एज वेल एज फॉर 12th क्लासेस द function of auxiliary verbs. जो हमारा auxiliary verb का function होता है, auxiliary verb के function को मैं describe कर रहा हूँ. 11th class में भी जो new syllabus है, उस new syllabus में grammatically portion system भी आता है. ग्रामर चेंज हो गया है, लेकिन उसमें जो ट्रांसलेशन का मैटर है, वो ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का पहले भी आता था, 10 मार्क्स का अब भी आता है. उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. तो आज इनका फंक्शन, और 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, आज इनका जो फंक्शन है वो ऑल इन वन फंक्शन. ऑल इन वन फंक्शन में, हेलो, ये ऑल इन वन का फंक्शन है जो आप जितनी वर्ब्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, उन सब को किस तरह से कितने कितने तरीके से यूज होता है, आज वो मैं सब बता रहा हूं. जैसे मैंने यहां पे लिखा इज, एम, आर, was, were, और यहां पे आगे लिखूं will be, shall be. एक वैरायटी तो ये हो गई, दूसरी वैरायटी क्या है? दूसरी वैरायटी में आता है do, does, data आएगा. तीसरी वैरायटी में क्या आता है? Has, have, had, will have या shall have. ये हमारी फिलहाल इतने वर्ड्स हैं, फिलहाल ये इतने वर्ड्स हैं, यानी do, does, did, has, have, had, will have, shall have, इतने हमारे फंक्शंस हैं. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी, शैल, बी, इन्हें वर्ब टू भी कहा जाता है. इन्हें वर्ब टू भी कहा जाता है. ये वर्ब टू भी का फंक्शन होता है, वर्ब टू भी इसे कहते हैं. तो वर्ब टू भी में क्या क्या होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिए. सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं. कॉम्प्लीमेंट यानी हिंदी में इसे पूरक कहते हैं. ये जो हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी, शैल, बी वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होती है. कॉम्प्लीमेंट में इनके पहले भी नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, इनके बाद में भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए. बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब भी लग सकता है, लेकिन पहले और बाद में दोनों में कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जरूर होना चाहिए. जैसे किसी ने कहा ही इज अ थीफ, वह एक चोर है, तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. और थीफ क्या है? कॉमन नाउन, नाउन है, कोई भी नाउन. इस नाउन को और इस प्रोनाउन को ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहते हैं. कुछ जगह लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है इसे, आप इसे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं. कुछ राइटर्स ने, कुछ जैसे बिहार स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहां इसको लिंकिंग वर्ब भी कहा गया है. अपने राइटर्स भी कुछ लिखे हैं. तो जनरल कंडीशन में ये जो इज, एम, आर है, अगर ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट है, मेनली कॉम्प्लीमेंट ही एक तरीके से पहला यूज ही हो गया. दिस इज द फर्स्ट यूज. दूसरा हमारा होता है
जहां पे प्लान दर्शाई गया है, सेंटेंस ऑफ प्लानिंग इसको बोलते हैं। प्लान मींस योजना, जहां पर भी प्लान दर्शाई जाए, जहां योजना दर्शाई जाए, उसके लिए भी इनका यूज करते हैं, जैमार वाजवर का यूज करते हैं। जैसे मुझे एक शर्ट खरीदना है, मुझे एक शर्ट खरीदना है, ये सेंटेंस बता रहा है मुझे एक शर्ट खरीदना है, तो दिस इज द प्लानिंग। कुछ बच्चे इसको मजबूरी समझ लेते हैं, या आई हैव टू बाय अ शर्ट, ना गलत, मजबूरी थोड़ी ही है ये, दिस इज द प्लानिंग। फर्स्ट नीड देन आफ्टर प्लानिंग, फर्स्ट नीड देन आफ्टर प्लानिंग। तो इसमें प्लान जहां दर्शाया जाए, तो प्लान के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब टू बी का ही यूज करते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस, इसमें मुझे लिखा है, मुझे के लिए मी लगाएंगे क्या, नहीं, मुझे के लिए आई लगाएंगे, आई, आई के बाद अब चूंकि है लगा है, इज एम आर लगाना पड़ेगा आपको, तो जब इज एम आर लगाना पड़ेगा तो आई के बाद क्या लगाएंगे, एम, आई एम, राइट, आई एम। और तुरंत बाद इसके इन्फिनिटिव का यूज करना चाहिए, इन्फिनिटिव, आई एम टू बाई अ शर्ट, आई एम टू बाई अ शर्ट, आई एम टू बाई अ शर्ट, इस प्रकार से इसका सिस्टम चलना चाहिए, आई एम टू बाई अ शर्ट। अगर ये लिखा होता मुझे एक शर्ट खरीदना था, तो आई वॉज टू बाई शर्ट, मदन को अपनी पुरानी स्कूटी बेचना है, मदन इज टू सेल हिज ओल्ड स्कूटी, राइट। मैं बोलू मुझे अपने मित्र से मिलने जाना है, आई एम टू गो, आई एम टू गो टू मीट, टू गो एंड मीट माई फ्रेंड, उसमें डबल इन्फिनिटिव आता है ना कहीं पर, जैसे टू गो एंड टू मीट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव एक से अधिक अगर किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए आता है तो उसको क्या करते हैं, पहले को विद इन्फिनिटिव, सबको विदाउट इन्फिनिटिव, विदाउट इन्फिनिटिव को कुछ राइटर्स बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, राइट, एक ही चीज है, बेयर का मतलब ही विदाउट होता है, दोनों सिनोनिम है। तो ये एक दूसरा हमारा सेंटेंस आप लाने के रूप में दूसरा हमारा यूज रहा। तीसरा यूज क्या है, कॉन्टिन्यूअस, जहां पे कॉन्टिन्यूटी दर्शाई जाए, अगर कॉन्टिन्यूटी दर्शाई जा रही है यानी निरंतरता दर्शाई जा रही है, तो वहां इन सब का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला वह चाय बना रही है, वह चाय बना रही है, वह चाय बना रही है, ये सिस्टम बना हमारा, तो क्या इसके लिए लिखेंगे, She is, अब चाय बनाने के लिए क्या लगाओगे, ना मेक, कुछ लोग शी इज मेकिंग लगा सकते हैं, मेकिंग की ना, चाय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए, चार चीजों के लिए, कॉफी भी जोड़ लो इसमें, इन सब के लिए प्रिपेयर वर्ड यूज होता है, बनाना के लिए, ये सारी चीजें तैयार की जाती है स्टेप टू स्टेप, शी इज प्रिपेयरिंग, She is preparing tea. वह चाय बना रही है, क्या बनेगा, She is preparing tea. वो चाय बना रही है, राइट। जैसे कोई किसी ने कहा वह मेरी मदर रात्रि का भोजन बना रही है, क्या बनाएंगे, मेरी मदर रात्रि का भोजन बना रही है, तो माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट डिनर, रात्रि के भोजन के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि मील इन द नाइट, ना, सीधे सीधे लिखेंगे प्रिपेयरिंग डिनर, प्रिपेयरिंग डिनर करेंगे, ऐसी कंडीशन यहां पर लगाएंगे। तो तीसरा यूज हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत भी आता है, कि कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है, राइट। चौथा जो बच्चों यूज इसका है वो क्या है पता है, लास्ट में यानी मोमेंटियल,
मोमेंटियल इवेंट्स। मोमेंटियल इवेंट्स का मतलब क्षणिक घटनाएं जिसको बोलते हैं, जहां क्षणिक घटनाएं होनी होती हैं, क्षणिक घटनाएं, तो क्षणिक घटनाओं के लिए ही, क्षणिक घटनाओं के लिए ही हम लोग इसका यूज करते हैं। मोमेंटियल इवेंट्स के लिए इन वर्ब टू बी का यूज करते हैं, क्षणिक घटनाओं के लिए। तो क्षणिक घटनाओं में कैसे होता है इसका हिंदी वाक्य अगर निकाल, कुल कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें एक मोमेंटियल सेंटेंस होता है। मोमेंटियल सेंटेंस, राइट। तो मोमेंटियल में किसी अगले क्षण की घटना को दर्शाता है, इसकी एक विशेष बात है। ये प्रेजेंट में होता है तब भी फ्यूचर की बात करता है, पास्ट में होता है तब भी फ्यूचर की बात करता है, अब फ्यूचर में होता है तो नेक्स्ट फ्यूचर की बात करता है। यानी इसकी जो कंसीडरेशनल है, इसका जो ट्रेट्स है वो भले ही प्रेजेंट में हो, लेकिन इसका फंक्शन जो होता है फ्यूचर में होता है। इसका कंसीडरेशन भले पास्ट में हो, लेकिन इसका फंक्शन फ्यूचर में होता है। इसी प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में वाला वाले वाली लगा होता है। जैसे ये कहा जाए कि वह गाय दुहने वाला है, वह गाय दुहने वाला है। सपोज दैट आपको चाय की टी की नींद है, तो कोई बंदा है वो गाय दुहने वाला है, आप उसका वेट करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेगा, वह गाय दुहने वाला है, सीधे सीधे लगाएंगे ही इज। और तुरंत जब वाला वाले वाली लगाया, तो ये अगले मोमेंट की बात कर रहा है ना, दुहने वाला है तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस, लेकिन दुहने वाला अभी दुहा नहीं, थोड़ी देर बाद यानी इन फ्यूचर में दुहेगा, तो क्या बनाएंगे, ही इज, और यहां क्या लगाएंगे, अबाउट टू। और दुहने की क्या होती, मिल्क। ये नाउन और वर्ब दोनों है, ये नाउन भी है वर्ब है, अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो ये नाउन है, वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वर्ब है, तो टू लगा दिया गया, इन्फिनिटिव बन गया, तो ये क्या हो गया, टू लगाए फट से क्या बन गया, ये इन्फिनिटिव बन गया, ही इज अबाउट टू मिल्क द काउ, मिल्क द काउ। तो ये हमारा चार यूज ये वर्ब टू बी का हुआ। चारों यूज किताबों में आप पाएंगे, कहीं एक इधर है, कहीं उधर है, कहीं टॉपिक वाइज उसमें है, गलत नहीं दिए हम लोग, लेकिन इसको हम लोग एक साथ पढ़ा देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में पहला यूज हुआ, ये देखिए इसके पहले भी प्रोनाउन या नाउन, इसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन। प्लान के रूप में दूसरा यूज होता है, तो प्लान के रूप में दूसरा यूज है, तो प्लान वाले में इन्फिनिटिव इसमें लगाना अनिवार्य है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये मेन वर्ब माना जाएगा, वर्ब टू बी यहाँ मेन वर्ब हो जाती है, और फिर यहाँ इन्फिनिटिव माना जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, सिक्स क्लास से पढ़ाया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूटी को दर्शाने के लिए यूज कर रहे हैं। मोमेंटियल सेंटेंस जो चौथा है, किसी मोमेंट की घटना को दर्शा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मोमेंटियल सेंटेंस में ये देखिए मोमेंटियल, वर्षा होने वाली है, क्या बनाओगे, वर्षा होने वाली, इट इज, इट से शुरू करेंगे क्योंकि वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, तो इट इज अबाउट टू रेन, फट से अबाउट टू लगा देंगे, राइट। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मेरी माँ सुबह का नाश्ता बनाने वाली, माई मदर इज अबाउट टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो ऐसी कंडीशन में ये मोमेंटियल सेंटेंसेस जो होते हैं आप इनका यूज भी कर सकते हैं, राइट। मोमेंटियल सेंटेंसेस का यूज आप कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो छोटे छोटे हैं, ज्यादा वीडियोस करेंगे तो एमबी के माध्यम से जाता नहीं है। तो आज ये फंक्शन आपको हमने बताया, आज इस फंक्शन को हमने दर्शा दिया। नेक्स्ट कल आप लोगों को इसका रिमेनिंग पार्ट्स है, डू डज डिड, ये दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ग्रामेटिकल यूज इन 11th एज वेल एज इन 12th क्लास। एंड हैज हैव हैड वी हैव शैल हैव इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, कई प्रकार से यूज होते हैं सेंटेंसेस में। तो जस्ट राइट नाउ ओवर एंड नेक्स्ट वी विल मीट इन अगेन टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।